स्टडी द टेबल गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने क्या इस टेबल को पढ़ा एंड उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन हैं उनको बताना है। वॉट वेनेशन वीन अरेंजमेंट डू द लीव्स ऑफ प्लांट्स विथ टैप रूट्स हैव। टैप रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होता है, वीन अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। जो टैप रूट होता है उनमें जो वीन अरेंजमेंट होता है वो नेट वेनेशन होता है या रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे प्लांट्स में जो टैप रूट होते हैं उन प्लांट्स का जो नेट वेनेशन होता है वो जो वीन अरेंजमेंट होता है वो नेट वेनेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेनेशन वीन अरेंजमेंट डू द लीव्स ऑफ प्लांट्स विद फाइबर्स रूट्स हैव। एंड जो फाइबर्स रूट होते हैं उनमें जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो व्हाट वेनेशन वीन अरेंजमेंट डू द लीव्स टू प्लांट्स सॉरी ऑफ प्लांट्स विद फाइबर्स रूट्स हैव। एंड जो फाइबर्स रूट होते हैं उनके प्लांट्स के जो लीव होते हैं उनका वीन अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। जो फाइबर्स रूट होते हैं उनका क्या होता है, पैलन वेनेशन होता है इज फाउंड इन दिस प्लांट्स सॉरी दोज प्लांट्स विच हैव फाइबर्स रूट। उनका जो वीन अरेंजमेंट जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो पैलन वेनेशन में होता है। एंड नेक्स्ट इज कैन यू सी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड प्लांट्स एंड वीन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्या आप प्लांट्स और रूट्स के या लीव्स के वीन अरेंजमेंट जो होता है उनके बीच की कोई भी रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं क्या, अगर है तो उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जीबिशन ऑफ लीव्स। अब लीव्स के एग्जीबिशन मतलब शो करना लीव्स के एग्जीबिशन ऑफ लीव्स सॉरी नेक्स्ट सॉरी एग्जिबिट द लीव्स यू हैड कलेक्टेड। सबसे पहले जो हमने लीव्स को कलेक्ट करके रखा था उसको एग्जिबिट करेंगे। स्प्रेड द लीव्स बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड पुट सम वेट ऑन देम। और क्या करना है, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर पे हम जो इतने भी लीव्स हमने एक कलेक्ट किया था उसको स्प्रेड करना है और उस पर थोड़े से प्रेस करके रखना, कुछ वेट उस पर दबा के रखना है। आफ्टर एवरी 2-3 डेज कीप चेंजिंग द न्यूज़पेपर। और 2-3 दिन के बाद ऐसे हमें क्या न्यूज़पेपर को चेंज करते रहना है। वाइल चेंजिंग टेक केयर नॉट द ब्रेक द लीव्स। वैन द लीव्स आर कम्प्लीटली ड्राई पेज दैम द हार्ड बोर्ड एंड राइट देयर नेम्स बिलो। और ध्यान रखें जब आप चेंज करेंगे तो जो लीव्स हमने क्या है ड्राई करने के लिए रखें वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। एंड जो लीव्स होते हैं अगर कम्प्लीटली जो सूख जाते हैं, अगर सूख गए हैं उनको क्या करेंगे, एक हार्ड बोर्ड पेपर पर क्या करेंगे उस पर स्टिक करके पेस्ट करके उसे चिपका कर क्या करेंगे उसका नाम लिखेंगे। ऐसे ही कुछ लीव्स हैं जिनको क्या किया है एक बोर्ड पे, ऐसे लीव्स को हमें क्या करना है ड्राई करना है, उसे न्यूज़पेपर पर 2-3 दिन तक स्प्रेड करके रख कर और उन्हें क्या किसी भी बोर्ड पे या पेपर पर क्या है उसे स्टिक करना है। एग्जीबिशन ऑफ लीव्स।